हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। ये माय स्कूल का 13 ट्यूटोरियल है और इसमें हम अल्टर, ड्रॉप और रीनेम के बारे में जानेंगे। तो अल्टर क्या होता है? अल्टर जनरली यूज़ होता है ऐड, डिलीट या मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर यहाँ पे जितना भी कॉलम है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, प्रोडक्ट, प्राइस, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाए डेट ऑफ बर्थ के, तो उसके लिए आपको वो अल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा, अल्टर जो भी टेबल का नाम है, टेबल तो हमारा कौन सा टेबल है, तो यूनिवर्सिटी टेबल है, यूनिवर्सिटी, और हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को। डेट किसे ऐड कर रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ को, डेट ऑफ बर्थ को, और डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या लिखना होगा, डेट। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं किसमें, तो यूनिवर्सिटी टेबल में हम ऐड कर रहे हैं एक और कॉलम डेट ऑफ बर्थ के नाम से, जो कि ये डेट लेता है। जैसे यहाँ पे अगर आप फर्स्ट नेम या नेम देते तो यहाँ पे वारचर लेता। तो मैं इस गो पे हिट कर देती हूँ, तो मैं यहाँ ब्राउज़ करके आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, डेट ऑफ बर्थ लिखा गया। यहाँ पे सारा वैल्यू नल इसलिए है क्योंकि मैंने कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है। अगर अब हम चाहते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है इसे डिलीट कर दें, तो इसके लिए आपको क्वेरी लिखना होगा, अल्टर किस टेबल से, तो फिर से यूनिवर्सिटी टेबल से। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है डिलीट करना, ड्रॉप तो कौन सा कॉलम है, आपको यहाँ पे कॉलम लिखना होगा, और कौन सा कॉलम का नाम है, डेट ऑफ बर्थ, और ये सेमीकोलन। इसका मतलब है कि हम यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी टेबल को, और जो कॉलम हमने डाला है डेट ऑफ बर्थ उसे डिलीट कर रहे हैं। और इस गो पे हिट कर दीजिए, और मैं यहाँ ब्राउज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ कॉलम हमने डाला था अभी जस्ट, उसे मैंने डिलीट कर दिया। अब हम ड्रॉप के बारे में जानेंगे। अगर हमें टेबल को डिलीट करना है, हटाना है, तो हम लिखेंगे ड्रॉप जो भी टेबल है और टेबल का नाम। तो मैं इस यूनिवर्सिटी टेबल को डिलीट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे डेटा फिल किया है। तो मैं यहाँ पे एक और टेबल बना लेती हूँ, ये यूज़र डेटाबेस के अंदर एक और टेबल बना लेती हूँ। मान लीजिए कि मैंने डेमो यूनिवर्सिटी बनाया है, बस अभी के लिए कि मैं बाद में डिलीट कर सकूँ, और इस गो पे हिट कर दिया, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आईडी दे देती हूँ, फर्स्ट नेम दे देती हूँ, लास्ट नेम दे देती हूँ, और यहाँ पे एड्रेस दे देती हूँ, और यहाँ पे वर्चर डाल देती हूँ, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे भी वर्चर डाल देती हूँ, और यहाँ पे भी वर्चर डाल देती हूँ। इसका वैल्यू दे देती हूँ 20, इसका भी 20, और इसका मान लीजिए 30, और यहाँ पे मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देती हूँ, और इस गो सेव कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डेमो यूनिवर्सिटी बन गया है और ये इतना सारा कॉलम जनरेट हो गया है। अब मैं इसे ड्रॉप कर रही हूँ, इसे डिलीट कर रही हूँ, तो आप क्या लिखिएगा, ड्रॉप टेबल, और जो भी आपका टेबल का नाम है, मेरा यहाँ पे डेमो यूनिवर्सिटी है, और सेमीकोलन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, और इस गो पे हिट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेरी सक्सेसफुल हो गया है, इस कारण से ये इस तरह का मैसेज दे रहा है। और मैं इस यूज़र जो मैंने बनाया है डेटाबेस, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ही टेबल बचा हुआ है, मैंने डेमो यूनिवर्सिटी को डिलीट कर दिया।
अब रीनेम, अब हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज यूनिवर्सिटी कर देती हूँ, तो उसके लिए आपको लिखना होगा रीनेम जो भी टेबल है, और टेबल का नाम क्या है, यूनिवर्सिटी टू, मान लीजिए मैंने चेंज यूनिवर्सिटी कर दिया, और ये सेमीकोलन, और इस गो पे हिट कर देती हूँ। तो ये सक्सेसफुली हो गया क्वेरी, और यहाँ मैं ब्राउज़ कर रही हूँ। तो ये क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूज़र है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र जो डेटाबेस है उसका टेबल का नाम चेंज यूनिवर्सिटी चेंज हो गया है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अल्टर, ड्रॉप और रीनेम किस तरीके से काम करता है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।